सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल फ्रेंड यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस घंटे को जिससे आप हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर एक बार फिर से आज की वीडियो में आपका हर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपका फ़ोन जो है बहुत ही ज़्यादा हैंग करता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है, चलाते चलाते बार बार रुक जाता है, अटक जाता है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका, एक ऐसी ट्रिक जिसकी हेल्प से दोस्तों आपके फ़ोन के जो हैंग करने की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या करना दोस्तों, बस इतना ही दोस्तों, आपको अपने फ़ोन से कुछ फाइलों को डिलीट कर देना है। अब दोस्तों बात आती है आपको उन फाइलों को कैसे ढूंढना और कैसे डिलीट करना है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप उन फाइलों को कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और साथ साथ दोस्तों मैं आपको उससे पहले बता दूंगा कि ऐसी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के लिए दोस्तों वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आपको उसको प्रेस करके काला कर देना है। साथ ही साथ दोस्तों एक बटन आ रहा होगा दोस्तों लाइक का, काला कलर का, आपको प्रेस करके उसे नीला कर देना है। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने जो मोबाइल का उसका प्ले स्टोर ओपन करना है, वहाँ से दोस्तों एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम दोस्तों डुप्लीकेट फाइल फिक्चर है। इस एप्लीकेशन का दोस्तों डायरेक्ट इंस्टॉल लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू सीधे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन होने के बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन दे सकते हैं आपको लेट्स गो का मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों आपको लेट स्टार्ट का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों दे सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, स्कैन ऑडियो, स्कैन वीडियो, स्कैन पिक्चर्स, स्कैन डॉक्यूमेंट एंड फुल डुप्लीकेट स्कैन, एंड इसके बाद दोस्तों है स्कैन डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट्स। तो इतने सारे दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको करना क्या दोस्तों, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें स्कैन कर लेना है, और दोस्तों आपको यहाँ पर चिंता बिल्कुल नहीं करनी, आपका कोई भी ओरिजिनल डाटा जो है डिलीट नहीं होगा। बस दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आपको जो डुप्लीकेट फाइलें हैं वही डिलीट होगी, जिससे दोस्तों डुप्लीकेट होता क्या दोस्तों, हम जो भी दोस्तों ऑडियो डाउनलोड करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, पिक्चर डाउनलोड करते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारी चीज़ हम डाउनलोड करते रहते हैं, होता क्या दोस्तों फ़ोन जो ऑटोमेटिक दोस्तों उनका डुप्लीकेट बना देता है, जिसकी वजह से दोस्तों जो फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा हैंग करने लगता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो हमको यहाँ पर करना क्या दोस्तों, हमको जो डुप्लीकेट फाइल है दोस्तों अपने फ़ोन से यहाँ पर हटा देनी, जिससे हमारा फ़ोन जो अच्छी तरह से वर्क करने के लिए। अब दोस्तों आपको डुप्लीकेट फाइलें ढूंढना कैसे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको स्कैन ऑडियो, स्कैन वीडियो, स्कैन पिक्चर, स्कैन डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको सारी चीज़ स्कैन कर लेना है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर जो है एक एक करके स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पर दे सकते हैं फुल डुप्लीकेट स्कैन, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है स्कैन नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलाउ मांगेगा, आपको उसको अलाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा फ़ोन जो स्कैन हो रहा है, यहाँ पर डुप्लीकेट फाइलें होगी, सारी डुप्लीकेट फाइलें आ जाएंगी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है सारी डुप्लीकेट मेरी फाइलें यहाँ पर आ चुकी हैं, इतनी सारी जो फाइलें हैं वो डुप्लीकेट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल देख सकते हैं दोस्तों इतनी डुप्लीकेट फाइलें यहाँ पर देख सकते हैं, 50.1 MB साइज की जो है 24 फाइलें जो हैं यहाँ पर डुप्लीकेट हैं। तो इन सारी फाइलों को आपको क्या करना, क्या डिलीट कर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके होने बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारे जो डुप्लीकेट फाइलें थी वो डिलीट हो चुकी है, और जो 50 MB का डाटा है वो मेरे पे यहाँ पर फ्री हो चुका है। इसके बाद दोस्तों एक नीचे ऑप्शन आ रहा है स्कैन डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स, तो दोस्तों आप चाहें तो जो आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट हैं दोस्तों, अगर डुप्लीकेट है दोस्तों एक कॉन्टैक्ट बार बार शो हो रहा है, तो आप चाहें तो दोस्तों यहाँ से स्कैन करके वो भी यहाँ से हटा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से ये एप्लीकेशन वर्क करती है, आपके फ़ोन में जितनी भी डुप्लीकेट फाइल हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर स्कैन होकर आ जाती हैं, आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपका जो फ़ोन है बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करने लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर लें, जिससे मैं आगे और भी अच्छी आपके लिए वीडियो बना सकूँ, जिससे आप उन्हें देख कर जो है उनका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।